आज थोड़ा जल्दी उठा दिया हम लोग, नहीं ओके कितना आदमी की गाड़ियां है, हाथ उठाना सबको है। रात कितना बजे सोते? ओके वेरी गुड। तो कितना आदमी ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस है साल, पूरा हाथ उठाना। अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले भी हाथ उठाओ बिना। उम्र 18 साल है पूरा सबको, जो 18 साल है सब वाले कंपलसरी ड्राइविंग लाइसेंस लेना। अगर नहीं लिया है तो कुछ अच्छा बुरा हुआ समझो, अपने को तकलीफ होता। जो अपन दूसरे के एक्सीडेंट है तो उनको कुछ हुआ तो भी अपने को प्रॉब्लम होता। अगर अपने कुछ प्रॉब्लम हुआ, हाथ टूट गया, टांग टूट गया, तो अपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है समझो, अपने को लाइसेंस नहीं आता, इंश्योरेंस नहीं आता, तो पैसे पूरा हाथ से भरना पड़ता। तो पहले क्या काम करना, हर एक आज जाके ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना। 1500 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस हो जाता, नहीं वो सारे 10 साल तक काम को आता। एक बार ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड सबको है, फिर आधार कार्ड है ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं है? तो आधार कार्ड से क्या वो रेशन किशन आता इसलिए ले लिया, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस उससे ज्यादा आता। कुछ भी हुआ समझो, इंश्योरेंस कुछ भी नहीं क्लेम होता, जब रोना पड़ता अपन। जो अपने ऊपर भरोसा है सो बीबी बच्चों रहता ना, उन भी रोड पर आ जाता। तो 1500 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस हो जाता। हर एक आदमी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर लेना। एक बार अप्लाई करे तो 10 साल तक काम को आता, सारी उम्र काम को आता। एक बार लिए तो बीच में 10 साल को 25 साल के एक बार रिन्यूअल करने के रहता। सब लोग पहले ड्राइविंग लाइसेंस तो कंपलसरी अप्लाई कर लीजिए, ठीक है? कितना आदमी गाड़ी है पूरा, सेकेंड हैंड गाड़ी कितना आदमी लिए? सेकेंड हैंड गाड़ी लिया तो आदमी तो अपना नाम पर ट्रांसफर कर लिया हो, तो कितना आदमी गाड़ी बेच दिए दूसरों को लेके, अपना गाड़ी लेके वो भी उनके नाम पर ट्रांसफर हुए जैसा, अपन उनको पीछे बढ़ के वो गाड़ी उनके नाम पर ट्रांसफर कर देना। फिर वो गाड़ी उन लेके दूसरा चोरी करा, स्नैचिंग करा और कुछ करा समझो, वो गाड़ी के अपने नाम पर रहता, अपन भी अकीजुर बनना पड़ता। कुछ गलत करा तो अपने ही रिस्पॉन्सिबल होता। तो अपन कुछ गाड़ी लिए तो अपने नाम पर कर लेना, दूसरे को भेजे तो दूसरे नाम पर कर लेना। और एक दूसरा बात, गाड़ी का नंबर प्लेट कंपलसरी यूज करना, हेलमेट कंपलसरी यूज करना। जो एक्सीडेंट में इतना आदमी मर जा रहे वो बिना हेलमेट वाला ही ज्यादा मर जा रहे। तो अपन कंपलसरी हेलमेट यूज करना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, ड्राइविंग लाइसेंस लेना, ठीक है? छोटा बच्चों को गाड़ी नहीं देना। अगर छोटा बच्चे को गाड़ी दिए सब, जो 18 साल को कमाई से वाले को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देते। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देने वाले को अपन गाड़ी दिए सब, जो गाड़ी का ओनर कौन रहता, बाप और माँ रहता ना, उन्हें हकी जुड़ बनता। वो फिर नॉर्मल से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, ट्रैक्टर दिए तुम्हारे तो वो खाली एक्सीडेंट केस होता हो। अगर छोटा बच्चा एक्सीडेंट करे तो उसके माँ बाप पर वो क्या 3-4 ये पार्ट 2 बोल के करता, कम से कम मर्डर केस ऐसा होता हो। तो छोटा बच्चे को गाड़ी नहीं देना, 18 साल होने के बाद बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस दिला देना, और वो गाड़ी का नंबर प्लेट वो पूरा मेंटेन करना। अब सब लोग ऑटो चला रहे, ऑटो में सामने दो दो आदमी तीन तीन आदमी बैठ के ऑटो चला रहे, तो ऐसा नहीं चलाना। कितना आदमी है ऑटो ड्राइवर्स, कितना आदमी है? ओके वेरी गुड। आप लोग सब लोग जानते हैं, आप लोग सोच रहे क्या है, ये तकलीफ नहीं है आप लोगों के लिए, हम लोग आपके पास है, आपके साथ हैं, आपके लिए है बोल के ये मीटिंग लगाए, अरे अपना पूरा ऑफिसर बोल दिए। कोई तकलीफ रहते तो हम लोग रहता, अपना नंबर है, नहीं तो 1100 को मारो बोल के आपको ऑलरेडी अपना सब लोग बोल दिए। अभी हम लोग बुलाए तो यहाँ तक आके अपना आप लोगों का वैल्यूबल टाइम दिए, सबको आदाब थैंक यू। ये मीटिंग को आए तो सभी लोगों को और अपना सुधीर ऑफिस को थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आज लगा है ये प्रोग्राम आपको सताने को नहीं है, आपको अवेयरनेस करने को है, और आपसे कुछ प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करने का है। पुलिस वाले से के पुलिस वाले को और महिला वाले को जो गैप रहता वो फुलफिल करने का ये प्रोग्राम लगा है इधर। आप एक साहब बोलाना हो लैंड्री बोल के, इससे पहले ज़्यादा लैंड्रिया
लकी लैंडिया पूरा इधर ही तरफ से स्टार्ट हुआ है। हमारे पास इधर मैं आने के बाद भी, मैं इधर आके एक साल हो रहा, मैं आने के बाद भी ज़्यादा लोग इधर आया था क्या बोल के, हम पैसे लगाए सब, फिर आपको प्राइस नहीं आए, फिर बाद में वो लैंड्री होने के बाद मेरा पैसे वापस भी नहीं करते, बड़ा बड़ा वो भीड़ लगा के आते हमारे पास, ऐसा चिट्ठी करना ये करना ऐसा आते, 5,000 में कार मिलते, 2,000 में ये मिलते, व्हीकल मिलते, ऐसा बोल के आते हैं, आके तुम्हारा को माइंड डाइवर्ट करते हैं। इतना डॉलर को लैंड्री इच्छेस्ट ఇచ్చేసారా తెలుస్తుంది బాబు గారు మనందరికి, అలా పలానా కార్ వచ్చింది, పలానా గ్లామర్ మోటార్ వచ్చింది 2,000 వాడి కోసం అందరినీ మీ అందరూ చెట్లు కట్టించారు. కట్టించిన తర్వాత ఏం చేశాడు వాడు, లాస్ట్ మూమెంట్ అందరు పైసలు అన్ని జమ అయిన తర్వాత ఏదో 10 మందికి ఇంకో 10 మందికి ఇచ్చేసి మొత్తం అన్ని డబ్బు తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. అట్లా మన నిజామాబాద్లో 20 ల్యాండ్రీలు నేను వచ్చిన పక్కలో 20 ల్యాండ్రీస్ నడిచారు, డైలీ ల్యాండ్రీస్ అని చెప్పేసి 2,000 3,000 అనుకుంటే అందరు కట్టారు. కానీ వాడు మాత్రం ఒక్కొక్కడు 3-4 కోట్లు సంపాదించుకొని వెళ్ళిపోయారు. చాలా ఘోరమైన మోసం జరిగింది. ఇక్కడ దాదాపు నిజామాబాద్లో 100,000 మంది బాధితులు ఉన్నారు, 100,000 మంది బాధితులు ఉన్నారు. ప్రతి ఇంటి కాడ వాళ్ళు టచ్ చేసినారు, ప్రతి ఇంటి కాడ వాళ్ళు డబ్బు తీసుకున్నారు. కాబట్టి దయచేసి ఎవరైనా మీ వాడకట్లా పెద్ద పెద్ద కార్లు వేసుకొని వచ్చి, పెద్ద పెద్ద ఉంగరాలు పెట్టుకొని వచ్చి, పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పి మిమ్మల్ని మోసం చేసిన ఒక అవసరం ఉంది కాబట్టి మీరు ఎట్టి పరిస్థితిలో వాళ్ళని నమ్మద్దని చెప్పి మేము ఇచ్చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా మొన్న మీ దగ్గర ఇక్కడనే బాబన్ సాబ్ పాడి కింద అటు సైడ్ కెనాల కింద ఒక పాప, చిన్న పాపని చంపి కెనాల పారేయడం జరిగింది. దానిలో ఒక అక్కడ ఎక్కడ జరిగింది ఆ ఇష్యూ అంటే అమ్మాయిని తీసుకుపోవడం, అక్కడ ఒక తాయిని బాబా ఉంటాడు, ఆ తాయిది బాబాని ఏదో చేసిందని చెప్పి వాడిని కిడ్నాప్ చేయించి ఏదో చంపేసిందని చెప్పి ఆయన మీద పడ్డాడు. పడ్డ తర్వాత మా ఇన్స్పెక్టర్ గారు, మా సిస్టమ్ ఎస్ఐ గారు ఇదంతా కష్టపడి ఆ దాని మీద కొంచెం మనం సీసీ కెమెరాలు అవి అన్ని చూస్తే అక్కడ ఏమైంది, ఆ పాపలు ఒక అమ్మాయి పట్టుకొని పోతున్నట్టు, ఒక ఆడను పట్టుకొని పోతున్నట్టు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత ఆ అమ్మాయిని పట్టుకుంటే ఆమెని చంపేసి కెనాల పాలు. కాబట్టి ఆ మంత్రాలు కూడా దాయిత్రులు గీతలు కట్టే బాబాలు కూడా చాలామంది ఈ ఏరియాలో ఉన్నారు, వాళ్ళు చాలామంది కూడా మోసం చేశారు.